आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज चीज मेयोनीज सैंडविच। ये इंस्टेंट और क्विक सैंडविच है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत टेस्टी और चीजी लगती है। तो चलिए जल्दी से ये सैंडविच बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्राप्ति किचन कॉर्नर। मैं हूँ त्राप्ति। रेसिपी देखने के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर वेज चीज मेयोनीज सैंडविच की रेसिपी देखते हैं। वेज चीज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए एक प्याज है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, एक छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक चौथाई लाल शिमला मिर्च, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास लाल या पीली शिमला मिर्च है आप तभी ऐड करिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 येलो शिमला मिर्च, ये पीली शिमला मिर्च है। 1/2 कप कॉर्न, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, मैंने इसको पानी में बॉईल कर लिया था। 1/2 कप मेयोनीज, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा कम ही ऐड करिएगा क्योंकि चीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो या मिक्स्ड हर्ब, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मेयोनीज के साथ साथ चीज सॉस भी ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग बन के रेडी है, अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने 2 सैंडविच ब्रेड लिए हैं, आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर लगाएंगे, इसी तरीके से दूसरी ब्रेड में भी बटर लगाएंगे। अच्छे से बटर लग गया है, अब इसमें स्टफिंग डालेंगे। अच्छे से स्टफिंग लग गई है, आप इसमें वेजीज अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हैं। चीज ऐड करेंगे, मैंने ये चीज क्यूब लिया है जो प्रोसेस चीज क्यूब्स में आता है। आप कोई सा भी चीज ले सकते हैं, आप चीज स्लाइस भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। पिज्जा चीज भी ले सकते हैं, मोजरेला भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने प्रोसेस चीज लिया है, चीज क्यूब। अच्छे से मैंने चीज लगा दिया है, अब दूसरी ब्रेड से कवर करेंगे। जिस साइड बटर लगा है उस साइड से कवर करेंगे, बटर वाला साइड नीचे होना चाहिए। इसको बहुत हल्का सा प्रेस करेंगे, लाइट दम हल्के हाथों से, ऊपर की तरफ भी अच्छे से बटर लगा लेंगे। तो चलिए अब जल्दी से सैंडविच को सेकते हैं। पैन को या तवा को अच्छे से मीडियम फ्लेम में गरम करेंगे। ये अच्छे से गरम हो गया, मीडियम फ्लेम में बटर लगाएंगे और अच्छे से इसको बटर को फैलाएंगे। अब इसे सैंडविच को रख देंगे तवे पे और मीडियम फ्लेम में इसको सेकेंगे। हल्का सा प्रेस कर करके सेकेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे वरना इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। को टर्न कर लेंगे, मीडियम फ्लेम में ही सैंडविच को सेकेंगे। ये अच्छे से क्रिस्प होगा और अंदर चीज भी मेल्ट होगा। अगर इसे हाई फ्लेम में करेंगे तो ऊपर से बस ब्रेड क्रिस्प हो जाएगी पर चीज अंदर मेल्ट नहीं हो पाएगा और वो टेस्ट भी नहीं आएगा, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम में ही सेकें। ये ब्रेड को टर्न कर लेंगे, ये देखिए ब्रेड अच्छे से सिक गई है। अब इसे पैन से निकाल लेंगे, सैंडविच बन के रेडी है, ये देखिए। अब इसे कट कर लेंगे, देखिए कितनी क्रिस्प है, आप आवाज सुन सकते हैं। ये देखिए आप आवाज सुनिए कितनी क्रिस्प है। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं, चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सैंडविच बनी है, आप इसे केचप के साथ खाइए या हरी चटनी के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।